गोरा के शो बिला तकल्लुफ में हलीमा सादिया आपको खुश आमदी कहती हूँ आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आज के शो में बातचीत होगी इसराइल ईरान के बीच अटैक्स के हवाले से जर्मनी के चांसलर के दौरा के बाद स्पेन के सदर का दौरा है भारत क्या मानी रखता है पाकिस्तान के अदालती निजाम पर बातचीत कितनी बामानी है इस बात का जायजा लेंगे कि कनाडा में प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का कैनेडियन सियासत में क्या फ्यूचर है अमेरिका के इलेक्शंस अब एक हफ्ता बाद तो पूरी दुनिया में ये सवाल गूंज रहा है कि कौन बनेगा अमेरिका का अगला सदर इसका जवाब भी हम देंगे तो चलिए बातचीत का आज आगाज करते हैं ईरान इसराइल के बीच अटैक्स के हवाले से दोनों देश एक दूसरे के अंदर घुसकर हमले कर रहे हैं इसराइल ने ईरान की फौजी तंसीबात पर किए जिसके जवाब में ईरान ने कहा कि वो भी अपनी मर्जी के वक्त इसराइल पर हमला करेगा देखते हैं कॉन्सिक्वेंस हैं देखिए इनके जो कॉन्सिक्वें हैं वो आ, बस एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसिस इससे ज्यादा हो सकते थे जो एक दूसरे पे अटैक्स की सूरत में हम देख रहे हैं और कॉन्सिक्वेंस तो हम जैसा मैंने अभी कहा कि काफ़ी ज़्यादा हो सकते थे क्योंकि इसराइल की तरफ से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो शायद ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला करेगा या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो ईरान की जो पाइपलाइंस हैं उन पे हमला करेगा ऐसा इसराइल ने नहीं किया क्योंकि अभी कुछ हफ्ते पहले जब ईरान ने इसराइल पे मिसाइल फेंके थे करीब 200 के करीब तो उसके बाद इसराइल की तरफ से काफ़ी ख़दशात थे कि इसराइल कोई सख्त अटैक करेगा लेकिन वो कई हफ्ते अटैक नहीं किए गल दो तीन हफ़्ते मुझे अब एग्जैक्ट से वो टाइमलाइन याद नहीं लेकिन बहरहाल उसमें एक अच्छा खासा गैप आया था और इस बीच लगता है कि ईरान और अमेरिका की भी कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है यूरोपियन यूनियन के देशों की भी बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है और अरब के साथ तो ईरान की बराह रास्त डिप्लोमेसी हुई थी ईरान के फ़ारन मिनिस्टर सऊदी अरब भी गए यू ए वालों से भी मिले और कतर से भी मिले और उन्होंने वाज किया कि अगर आपकी ऊपर की जो फ़ा है इस्तेमाल की इसराइल ने तो फिर आपकी भी जो ऑयल हैं वो महफूज नहीं होंगी हमारे हमलों से लेकिन बहरहाल इसराइल ने और अरब देशों ने और अमरीका ने लगता है कि आपस में कोई बातचीत की है कि जिसके बाद इसराइल ने जो अटैक किया ना तो वो एटमी इंस्टॉलेशंस पे था और ना वो ऑयल की इंस्टॉलेशंस पे था वो ईरान के जो फौजी इंस्टॉलेशंस पे हैं उनके अटैक हुए और ये लगता है कि जैसे रिलेटिवली कॉस्मेटिक अटैक था क्योंकि इस, इस, इसराइल पर ईरान ने अटैक किया था तो अब इसराइल ने ईरान पे हाँ तो, तो ये सिचुएशन ऐसी है जो काफ़ी ख़तरनाक है और आ, लेकिन इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती थी आ, नतीजा जो हमने देखा कि कंट्रोल में रही हैं चीज़ें और लगता ये है कि यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों ने अरब देशों ने इसराइल को भी कन्विंस किया कि भाई एक हद तक ही आप अटैक करें इतना अटैक करें कि ईरान बर्दाश्त कर सके इसी तरह अब वो ईरान से भी यही कह रहे हैं कि अब आप इसका जवाब ना दें Uh, क्योंकि uh, वो फिर इसराइल को भी जवाब देना पड़ेगा चूँकि फिर कॉस्मेटिक हो जाता है ना uh, मसला कि अगर आपने अटैक किया आप जवाब नहीं देंगे तो आपको कमज़ोर समझा जाएगा फिर आप जवाब देंगे तो फिर uh, आपको दूसरी पार्टी को जवाब देना होगा तो ये इसी तरह चल रहा है लेकिन ये इससे बुरा हो सकता था लेकिन इससे बुरा हो सकता था वो नहीं हो रहा और दुनिया इससे बुरा देखना नहीं चाहती थोड़ा सा आपने जिसकी तरफ इशारा भी किया बल्कि उसके बारे में थोड़ा सा बताया भी उसको जरा और आगे एक्सप्लेन कीजिए कि तो क्या ये टिट फॉर टैट के चक्कर में हमले चलते रहेंगे और इसके साथ साथ इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व होगा या वो किस तरफ जाता नजर आता है देखिए वो टिट फो टैट ही चल रहा है जिसपे अभी हमने पीछे बात की और क्या टिट फो टैट चलता रहेगा आपका अभी ये सवाल है तो टिट फो टैट अब चलाना तो नहीं चाहते दोनों मुल्क जो फील हो रहा है मुझे आ, लेकिन पब्लिक कंजम्पशन भी कोई शय होती है और दूसरा बहुत सारी पार्टियाँ बीच में पड़ी हुई हैं जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ खलीज के ममालिक हैं और यूरोपियन यूनियन के कुछ ममालिक हैं और अमरीका भी है तो वो सब अब दोनों आ, देशों से यानी ईरान से और इसराइल से यही कह रहे हैं कि भई ये टेट टेट भी ख़त्म करें अब क्या डिपेंड करता है इसराइल के हमले के बाद ईरान टेट टेट के चक्कर में कोई हमला करता है या नहीं करता अगर करता है तो फिर ये टेट टेट चलेगा इसराइल भी फिर करेगा अगर ईरान नहीं करता तो ये सिलसिला कम से कम रुक सकता है अब दूसरा जो अहम सवाल है कि ये जो रिजॉल्व वाला मामला है फ़लस्तीन और इसराइल वाला ये क्या रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा चालीस बैतालीस हज़ार से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं हिजबुल्ला के साथ भी लड़ाई चल रही है हमास के साथ भी सात अक्टूबर से एक साल से ऊपर हो गया चल रहा है सिलसिला लड़ाई का और लोग भी इतने ज़्यादा मारे जा चुके हैं और इसराइल का कहना है कि जो इतने लोग मरे हैं इनमें से कोई थर्टी टू फिफ्टी परसेंट रफ्ली वो कहते हैं हमास के लोग हैं आ, हमास वाले भी अब लड़ लड़के काफ़ी थक गए हैं क्योंकि आ, उन पे भी इसराइल का ये जो अटैक है वो बड़ा शदीद एक साल से चल रहा है और इतना शदीद जंग का दौरानिया पहले नहीं हुआ तो अब हमास वाले भी किस तरह रुक सकते हैं इसलिए कि एक तो उनकी कैपेबिलिटीज काफ़ी ख़त्म हो गई हैं लेकिन रुक वो मुकम्मल नहीं सकते उनकी भी पब्लिक कंजम्पशन का मामला है हज़बुल्ला की भी बहुत इसमें डिफ़ीट अब तक हुई है लेकिन उनकी भी पब्लिक कंजम्पशन का मामला है तो मेरा ये ख्याल है कि अब ये रिजॉल्व इमिजिएटली तो खैर नहीं हो पाएगा लेकिन जो सऊदी अरब की यू की बहरीन की और इवन कतर की भी ख्वाहिश थी कि भाई आफ्टर ऑल इस मसले को रिजॉल्व होना चाहिए क्योंकि ये जो फ़लस्तीन वाला मामला है ये उनकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है तो ये देश भी चाहते हैं कि किसी तरह से ये ये रुके आ, अब काफ़ी हद तक चीज़ें रिजॉल्व हो रही थी सात अक्टूबर दो हज़ार तेईस से पहले मगर वो हमास ने इसलिए अटैक किया कि वो सऊदी अरब और इसराइल को एक मेज़ पर बैठा हुआ नहीं देखना चाहता था तो अब इसका जो रिजॉल्व होने का मामला है मैं नहीं देखता कि कोई इमीजटली हो सकेगा लेकिन अल्टीमेटली इसको सेटल होना होगा क्योंकि ये इस तरह चल नहीं सकता ईरान की वाद सपोर्ट है हिजबुल्ला को भी हमास को भी और जहादी जो दू, दूसरे ग्रुप्स हैं बाकी किसी अरब देश की अब सपोर्ट नहीं है और ये किसी भी अरब देश की सपोर्ट फलस्तनीों के लिए काफ़ी अर्सा से नहीं है लेकिन अब तो वो बायदा खिलाफ हो चुके हैं ये हमास हिजबुल्ला की जहादी कार्रवाईों से जितने अरब देश हैं तो वो ये चाहते हैं कि ये रिज़ोल्व हो लेकिन जाहिर है इतना कॉम्प्लेक्स इश्यू है ये रिजॉल्व इमिजिएटली तो होगा नहीं इस बार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नतन याहू ने जो मुसलसल ऑपरेशन किए हैं जो जंग की है हमास के साथ और हिजबुल्ला के साथ और अभी भी चल रही है वो भी तवील तरीन जंग है और उस जंग के बाद अब हमास को हिजबुल्ला को और ईरान को ये मैसेज मिल गया कि अब इसराइल इवन अमेरिका के कहने पे भी रुकने वाला नहीं और वो मज़ीद कारवाइयाँ करेगा और इनको मज़ीद तबाह बर्बाद करेगा और इनकी यानी हमास की तबाही और बर्बादी हाँ हिजबुल्ला की तबाही और बर्बादी ईरान भी नहीं चाहेगा कि हो क्योंकि उनके ये एसेट्स हैं तो अब वो भी रोकना चाहेगा ईरान क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि हमास का भी बहुत नुकसान हुआ है हिजबुल्ला का भी नुकसान हुआ है तो इसका रिजॉल्व होने का एक ही रास्ता है कि ये जो हैं ये अपनी ये जो जहादी ग्रुप्स हैं अपनी कार्रवाइयाँ ख़त्म करें ये तो है आइडियल रास्ता ये ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि इनकी पब्लिक कंजम्पशन है इन्होंने यही माल बेचा है अब तक और फिर एक दूसरा हल ये है कि जो वहाँ पे टू स्टेट की एक बात की जाती है कि इसराइल को भी आ ये बात मान लेनी चाहिए जो भारत भी कहता है और भी देश कहते हैं कि फ़लस्ती नाम की एक रियासत उसके साइड साइड चले लेकिन इसराइल इसको मान ले वो फ़लस्तीनी ही अपनी रियासत के नक्शे को डिफरेंट देखते हैं वो कहते हैं जी इसराइल को हम बर्बाद करेंगे तो ही हमारी रियासत बनेगी या वो कहते हैं कि हमें बहुत बड़ा रकबा चाहिए तो इस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि ये मकम्मल रिजॉल्व तो नहीं होगा मगर इनकी जो कमर अब टूटी है इन जहादी ग्रुपों की आ, कुछ महीनों में हम देखेंगे कि ये मसला सेटल होगा चलिए अब हम भारत और मगरबी दुनियाओं के रिश्तों की तरफ आते हैं अभी चंद रोज़ पहले जर्मनी के चांसलर ने भारत का दौरा किया और उसके बाद फौरन बाद स्पेन के सदर भारत पहुंचे तो अब आप इन दोनों दौरों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे देखिए यूरोप के जो ओवरऑल रिश्ते हैं भारत के साथ हैं वो बहुत बेहतर हो रहे हैं फ्रांस के हमने देखे रिश्ते ड्यूरिंग द पास्ट टेन ईयर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी की रंजीम के दौरान तो बहुत बेहतर उनके तल्लक चल रहे हैं इसी तरह इटली का भी हमने देखा इटली के भी बहुत बेहतर तल्क हैं चूँकि इटली फ्रांस ये दो बड़ी ताकतें हैं दो बड़ी इकानमीज़ हैं यूरोप की फिर अभी ये जो दौरा रिसेंटली किया जर्मनी के चांसलर ने तो वो बहुत अहम दौरा था और उसमें बड़े अहम स्ट्रेटिकल मामलात और इकनमिक मामलों पर बातचीत हुई ना सिर्फ बातचीत हुई बल्कि उसमें कई आ, जो अहम उनके माहदे हैं दोनों देशों के बीच हुए तो ये बहुत ही बड़ा दौरा था चूँकि जर्मनी यूरोप की आ, सबसे बड़ी इकॉनमी है सबसे बड़ी इकानमी है तो जर्मनी के चांसलर का ख़ुद भारत पहुंचना और फिर जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जिस तरह की बातें उन्होंने की अगरचे ये जो इस वक्त के चांसलर हैं ये आ, लेफ्ट लीन पार्टियों के हैं मगर वहाँ पे अब राइट लीन पार्टियाँ भी राइज कर रही हैं वो भी भारत से बहुत अच्छे तल्लक चाहती हैं तो जर्मनी आ, जो सबसे बड़ी इकॉनमी है यूरोप की वो भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते चाह रही है ना सिर्फ चाह रही है उनकी ट्रेड बढ़ रही है उनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ रही है उनकी मिलिट्री पार्टनरशिप बढ़ रही है दोनों देशों की और उसके फ़ौर बाद ही स्पेन के सदर का जो दौरा हुआ उस दौरे में तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेन के सदर जो हैं वो भारत में बनने वाले टैंक्स और जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनके वो कॉम्प्लेक्स की इनाग्रेशन के लिए गए और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड ये नारा था कि इंडिया में हम बहुत बड़ी बड़ी अब मिलिट्री की जो है इक्विपमेंट्स बनाएंगे ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा और ये पूरी दुनिया के लिए है और पूरी दुनिया उनसे ख़रीदना चाहेगी तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अहम दौरे हैं ऊपर तले जुबे क्योंकि इससे पहले आप देखिए कि सदर जो अभी स्पेन के वहाँ पे गए उनसे पहले चांसलर थे वहाँ पे उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद गए हुए थे आ, रशिया में वहाँ पे आ, ब्रिक्स का इजलास था उस इजलास में भी आ, कुछ यूरोपियन देश आए हुए थे न, उनके साथ भी बातचीत हुई तो मेरा ये ख्याल है कि रिसेंट आ, हफ्तों में इन जस्ट इन, इन फ्यू वीक्स हमने बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स देखी भारत की यूरोपियन दुनियाओं के साथ अपने तेजी से बढ़ते हुए हर तरह के रिश्तों के हवाले से इसी से रिलेटेड सवाल है कुछ तो आप इसके ऊपर वजाहत कर चुके हैं लेकिन मज़ीद जानना चाहेंगे कि यूरोप और भारत के बढ़ते हुए रिश्ते तो हम अपनी आंखों से अभी रिसेंटली हमारा जो दौरा था यूरोप का उसमें हम देख कर आए लेकिन भारत के साथ कैनेडा ने अपने रिश्ते खट्टे कर रखे हैं अमरीका की भारत के साथ बहुत सारे मामले में साझेदारी तो खूब चल रही है लेकिन खालिस्तान के मसले पर अमरीका भारत को क्यों टफ टाइम दे रहा है जी देखिए मैं पहले अमरीका आपने पूछा कि अमरीका भारत को खालिस्तान के मसले पर क्यों टफ़ टाइम दे रहा है मुझे नहीं लगता कि खालिस्तान के मसले पे कोई ज्यादा टफ टाइम दे रहा है वो एक्चुअली टफ टाइम भारत को दे रहा है कि भारत यूक्रेन रूस के मामलों में थोड़ा सा वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रहे तो इसलिए हमने देखा कि वो एक ख़ालस्तानी एलिमेंट के हवाले से उन्होंने एफ बी आई ने एक एक वारंट जारी किया जो बड़ा अनयूजल है आ, अमरीका की तरफ से वो ठीक है बीच में मामला खालिस्तान का है मगर ख़ालस्तानी मामला अमरीका में कोई हमें बहुत नहीं दिखते सोआई कैलिफोर्निया के कुछ पॉकेट्स यहाँ पर वो ख़ालिस्तानी एलिमेंट्स हैं जैसे कैनेडा में तो हमें ख़ालिस्तानी मामला तो काफ़ी दिखते हैं चाहे ऑनटेरियो में हो, चाहे अल्बर्टा में हो, चाहे ब्रिटिश कोलंबिया में हो, तो अमेरिका में ऐसा आ, मामला नहीं है अमेरिका में सिर्फ कैलिफोर्निया के वो कुछ ए, एक दो पॉकेट्स हैं जहाँ पे खालिस्तानी एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो अगर हम अमेरिका जाएं आ, अभी जैसे आप और मैं गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आए हुए थे अमेरिका न्यूयॉर्क आए हुए थे और अमेरिका अभी जब हम भारत के यूरोपियन मुल्कों के साथ रिश्तों की बात कर रहे हैं तो अभी चंद हफ्ते पहले ही तीन चार हफ्ते पहले ही अमेरिका आए हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन ने उनका बहुत बड़ा आ, उनका स्वागत किया था और क्वाड में वो उन से मिले और फिर बाइलेट्रल भी उनके साथ बातचीत हुई तो अमेरिका ख़ालिस्तान के इशू पर भारत को कोई टफ टाइम नहीं दे रहा है कैनेडा दे रहा है क्योंकि कैनेडा में खालिस्तानी एलिमेंट्स काफ़ी स्ट्रांग हैं लेकिन हम देखते हैं कि अमेरिका और कैनेडा का एक दूसरे पे बहुत इन्फ्लुएंस है और उनकी बहुत सारी जो मामला हैं पॉलिटिकल वो बहुत आ, एक साथ हैंडल होती हैं हाँ पॉलिटिकल भी स्ट्रेटिजिकल भी है बहुत इन्फ्लुएंस होना भी चाहिए ऑल अमेरिका और कैनेडा हमसे हैं और अमेरिका और कनाडा दहाइयों से बल्कि एक सदी से ज़्यादा अरसा हो चुका है दोनों एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं और दोनों की पार्टनरशिप है बहुत सारे मामलों में और हम दोनों देश जो हैं अमेरिका और कनाडा भाई भाई देश हैं इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं लेकिन आ, जो कुछ कनाडा करता है अमेरिका के लिए मुश्किल होता है कि कनाडा का साथ ना दे और कनाडा ने तो बहरहाल वही करना होता है जो अमेरिका उससे कहता है तो इसी मसला पर अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर टूडो ने बहुत बिगाड़ पैदा कर लिया भारत के साथ आ, इसी खालिस्तानी मसले पे ये मसला ख़ालस्तानी मसले पे नहीं किया इनफैक्ट उन्होंने अपने वोट बैंक के चक्कर में किया उनका ये ख्याल है कि उनको बहुत यहाँ पे पॉलिटिकली मदद मिलेगी ख़ालस्तानी एलिमेंट से ऐसी बात नहीं है लेकिन ये उनका ख्याल है चूँकि वोकल एलिमेंट्स तो आ, अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो एक बहुत एक्सट्रीम हद तक जा चुके हैं भारत के साथ आ, अपनी टेंशनस को बहुत आगे लेके जा चुके हैं तो अमरीका के लिए दो पॉइंट्स हैं एक तो इतना आसान नहीं कि इस मसला पे वो कनाडा का साथ ना दे दूसरा चूँकि कुछ एक वाकया अमेरिका का कहना है कि ऐसा हुआ है कि वहाँ पे भी किसी खालिस्तानी लीडर को असैसिनेट करने का कोई प्लाट था जिसके पीछे कोई एलेजली भारतीय हुकूमत के कोई एलिमेंट्स थे तो अमेरिका ने तो अभी एफ बी आई की वेबसाइट पे उनके ट्विटर अकाउंट पे वो लगा भी दिया एक भारतीय फॉर्मर जो हैं वहाँ के एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनका नाम दे के भाई ये जी हमारे एक सिटीज़न को मारने के चक्कर में थे तो वो ज़्यादा अलाइनमेंट अमेरिका की कुछ स्टूडियो के साथ है और कुछ अमेरिका मा जैसे आपने कहा कि भारत के साथ बहुत सारे मामलों में समझेदारी रखने के बावजूद भारत को एक जो होता है ना एक एक झकावा भी देना चाहता है कहना चाहता है कि भाई इस मसले पे हम हम आपको पकड़ लेंगे लेकिन अमेरिका और कनाडा ये शायद अभी भी भूल रहे हैं कि दुनिया बदल चुकी है मेरी मुराद ये कि अमरीका और कनेडा की रजीम्स यहाँ के अवाम तो ऐसे नहीं है कैनेडा के आवा की भी भारतीय आवाम के साथ बहुत मोहब्बत है और अमरीकी आवाम की भी भारतीय जनता के साथ बहुत मोहब्बत है सिर्फ रजीम जो पावर है। का ज्यादा मसला है कि, कि हम पावर होल्ड करते हैं लिहाजा हम डिक्टेट करना चाहते हैं हाँ ये ये एक इम्पॉर्टेंट बात है अमरीका की तरफ से ये मैसेज कैनेडा की तरफ से ये है कि एक इंटरनल पॉलिटिक्स है मिस्टर ट्रूडो की उसमें उनको फ़ायदा होता है और दूसरा अब उन्होंने ईगो का मसला बना लिया हुआ है कि उन्होंने एक बात को इतनी बार कहा है कोई आज तक सबूत वो वाज तौर पर नहीं दे सके लेकिन वो इतनी बार कह चुके हैं कि फिर अब उनका ईगो का माइंड ये मसला बन चुका है चलिए पाकिस्तान की तरफ आते हैं पाकिस्तान के मीडिया पर कुछ हफ्तों से आईनी तरामीम की बातें जोर शोर से चल रही थी और बेलाकर वो तरामीम हो गई सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस आ गए आप इन अदालती असलाहत को पाकिस्तान के पूरे मंजरनामे के तनाजर में कितना अहम समझते हैं और कितना वर्केबल समझते हैं मैं देखिए कितना अहम है कितना वर्केबल है इससे पहले मैं यहाँ कैनेडा में बैठे हुए अपने स्टूडियो के हवाले से कहना चाहता हूँ कि क्या ये वर्थ है इस पर इतनी बातचीत करना क्योंकि ये बड़े अरसे से ये ज़ोर शोर चल रहा था तो मैंने इस पर कोई बातचीत नहीं की इसलिए नहीं की कि मुझे फ्रेंकली कनाडा में बैठे हुए इस पर बातचीत करते हुए कोई इतना वर्थ नहीं लग रही थी आ, लेकिन आज हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि वो असलाहत हो गई हैं अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स में देखते हैं क्यों पाकिस्तान का मीडिया इनको इतना रहा है ऑफकोर्स पाकिस्तान उनका देश है उनके लिए सबसे बड़ी खबर गुस्ता कुछ हफ्तों से यही चल रही थी तो पाकिस्तान के मीडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत अहम मामला है पता नहीं, जो मामला जो पाकिस्तानी यहां पे रहते हैं उनका तो यह मामला नहीं होना चाहिए उनको तो कोई तुक नहीं बनता है इस मामले में लेकिन उनकी भी सुई वहीं पर अटकी हुई है क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन आइनी असलाहत से पहले या बाद में जो कुछ भी होगा पाकिस्तान में वही कुछ होना होता है जो पाकिस्तान की मिलिट्री चाहती है तो so, ये आपने बहुत इसमें ठीक है तो, तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने जो चाहना है वही वहाँ पे होना है इसीलिए ये मिलिट्री ही आइनी तरामीम करवाना चाह रही थी क्योंकि ये जो पिछले जज थे जो जिनका चीफ जस्टिस बनने का इम्कान था मिस्टर मंसूर शाह जो अभी भी जज तो हैं सुप्रीम कोर्ट के लेकिन वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके तो आ, वो उनसे आर्मी को चैलेंज था कि वो और उनके कुछ और हम नवाज़ जज उनको टफ़ टाइम देंगे अब आइनी तरामीम के बाद आ, सीनियर मोस्ट जज की बजाय एक यही आफरीदी जस्टिस हैं उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया है और कुछ और जजों का इजाफा कर दिया गया है जिससे वो जो आर्मी को थ्रेट था पाकिस्तान आर्मी को जो थ्रेट था पी टी आई की तरफ से पाकिस्तान तरीकानसाफ की जमात से वो वो कम हो गया है लेकिन इसके बावजूद आर्मी ने उनको हैंडल कर ही लेना था तो क्या ये कोई साइन है पोलिटिकल स्टेबिलिटी का ये हाँ थोड़ी सी इस इसके नतीजे में जो मैं अब समझता हूँ कि थोड़ी सी पोलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी इसलिए कि वो जज साहबान जो थे वो भी काफी इंटरफर कर रहे थे पोलिटिकली वो भी पी का काफ़ी साथ दे रहे थे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो उसकी वजह से ख़राब हो रही थी तो अब चूंकि आर्मी अपना सेटअप बड़े अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाने में कामयाब हो गई है तो अब उनको पीटीआई की तरफ से वो वाला थ्रेट नहीं रहा इसीलिए उन्होंने इमरान ख़ान की बेगम बुशरा बीबी को भी छोड़ दिया इमरान ख़ान की बहनों को भी छोड़ दिया वो जेल में थी और इस बात का भी इम्कान है कि इमरान खान को भी छोड़ दें चूँकि इमरान खान जो बहुत ज़्यादा शोर बचा रहे थे वो इन्हीं जजों की वजह से शोर विचार उनका ख्याल था कि ये जो मुठ्ठी भर जज हैं ये उनका साथ देंगे आप लेकिन अब हाँ पावर पावर तो अब उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि भाई ये वाले जो जज हैं ये अब नहीं रहे आ, तो मैं भी अब ठंडा हो जाऊँ अब इमरान खान के लोग भी उनको जेल में बैठे हुए सुना यही जो पाकिस्तान से अतलात आ रही हैं कि भई उनको सलाह मशवरे दे रहे हैं कि जनाब खान साहब अब आप जरा ठंडे हो जाए हाँ मकमका कर लें अब यह है कि आपकी बारिश आ ही जाएगी फिर आ, लेकिन आप ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या ये जो टसल आपने आर्मी के साथ शुरू की हुई है ये ख़त्म कर दें क्योंकि ये आर्मी तो कहीं जाने वाली नहीं है उसकी ये जो लीड लीडरशिप है जिनके साथ आपने फडा लिया हुआ ये भी जल्दी जाने वाले नहीं है और जब ये जाएंगे तो जो नई लीडरशिप भी आएगी वो भी इसी तरह की होगी तो वाई नॉट टू वर्क विद दैम रादर दैन फाइट विद दैम चलिए पाकिस्तानी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो रही है इंटरनेशनल स्टेज पर भी पाकिस्तान का इमेज हालिया शंघाई कॉन्फ्रेंस कामयाब करवाने के बाद थोड़ा सा बेहतर हुआ है भारत के साथ भी करतारपुर के मामला पर पाँच साल का मज़ीद माह हुआ है आप पाकिस्तान की ताज़ा सिचुएशन को ये मेरा ख़्याल उससे रिलेटेड ही सवाल है कि किस तरफ देखते हैं जाता देखिए पाकिस्तान की जो ताज़ा सिचुएशन है बहुत ही रीसेंट दिनों की वो ठीक है आपने जो बातें बताईं वो रियलिटी है वो करतारपुर के मामला में भी भारत के साथ पाँच साल का माह हुआ क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें भारत के साथ इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं इसलिए कि भारत एक अब इमर्जिंग पावर है तो भारत के साथ पाकिस्तान फड्डे लेके और ख़ाम खा का रेटरक ख़राब करके अब आगे नहीं चल सकता अब देखिए शंघाई कॉन्फ्रेंस में जैसा हमने उससे पहले भी शंघाई कॉन्फ्रेंस से पहले हमने कई शोज़ में बातचीत की और मैंने तब भी कहा था पाकिस्तान को एक तरह से मशवरा दिया था कि आप शंघाई कॉन्फ्रेंस में जयशंकर साहब जब आ रहे हैं तो उन पर कश्मीर के मसला पे ना लगाएं तो नहीं लगाएगा उन्होंने ये अच्छा काम किया उससे क्या हुआ कि थोड़ी सी कोई आइस ब्रेक हुई है पहले मेरा ये ख्याल था कि आइस ब्रेक नहीं होगी लेकिन थोड़ी सी आइस ब्रेक हुई है होपफुली अगर पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के कहने पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कोई और स्टोपट हरकत ना कर दें तो वो फिर अलग बात है लेकिन इस वक्त यह कि करतारपुर के मामला पे भी हो गई पाँच साल की एक्सटेंशन फिर जो जयशंकर साहब गए हैं वहाँ पे पाकिस्तान वो भी पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव था वो तो खैर बहुत मिच्योर फॉर मिनिस्टर हैं तो वो, वो इंटरेक्शन हाँ तो वो उसके नतज वो, वो अच्छे रहे क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ पे कोई ऐसी ब्लेंडर वाली बात नहीं की तो वो भी एक अच्छा मैसेज है क्योंकि पाकिस्तान को भी अरब नेशंस भी और ख़ास तौर पर अमेरिका भी इंटरेक्टली कहता रहता है कि भारत के साथ भी तलका ठीक करो तो अब पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई हीटेड बात हो जाती है तो इसकी वजह से गड़बड़ होती है तो इन सारी सूरत हाल में अब ये हुआ कि पाकिस्तान में एक अरसा दराज बात को इंटरनेशनल लेवल की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई अगर जो उसमें आ, कोई जो वर्ल्ड लीडर्स बहुत बड़े लेवल के वो नहीं गए जैसे आ, सदर जी नहीं गए थे वहाँ के प्रीमियर आए थे चाइना के जैसे रशिया के सदर पुतन नहीं गए थे इसी तरह भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं गए थे जयशंकर जी गए थे तो ये जो अगर वर्ल्ड लेवल के बड़े तीन लीडर जाते वहाँ पे तो फिर बहुत बड़ा वाक़ होना था वो बहरहाल नहीं गए लेकिन एटलीस्ट उनके जो डिप्टीज़ हैं वो चले गए जिससे ये हुआ कि वो कॉन्फ्रेंस कामयाब तरीके से हो गई पी टी आई वहाँ पर हंगामे करना चाहती थी उनको भी उन्होंने रोक दिया वो भी कन्विंस हो गए तो वो उससे इमेज पाकिस्तान का बेहतर हुआ आई एम एफ़ से पाकिस्तान को पैसे मिल गए पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कुछ इकानमी बेहतर हो गई फिर वहाँ पर चैलेंजेस ज़रूर चल रहे हैं सिक्योरिटी के आए दिन अटैक होते रहते हैं वो चलते रहेंगे वो रुकने वाले नहीं हैं लेकिन पी टी आई के अलावा पी टी एम जो पश्तून तहफ़ मूवमेंट है वो भी जरा टफ टाइम दे रही थी वो भी थो थोड़े से कन्विंस हो गए पाकिस्तान की सरकार के कहने पे। भी जनरली लगता है कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त हाल पॉजिटिव हुई है थोड़ी सी थोड़ी मतलब बेहतर हुई है बिल्कुल बेहतर हुई है और देखिये मतलब भारत भी पाकिस्तान में हालात खराब देखने का कोई ख्वाहिश नहीं रखता वो तो मुल्क तो पहले ही हाँ जी लेकिन लेकिन वो उसकी ये ख्वाहिश है कि भाई पाकिस्तान बिहेव करे वो ये पहली उसकी ख्वाहिश अब ये है कि पाकिस्तान बिहेव करे अगर पाकिस्तान बिहेव नहीं करेगा तो फिर पाकिस्तान जाए भाड़ में ये है भारत का पॉइंट बदलता हुआ सियासी मंजरनामा समझने की जरूरत है और उसके अंदर भारत की पोजीशन को समझने की जरूरत है और उसे एक्सेप्ट करके आगे चलने की जरूरत है अब हम आते हैं अपने घर कैनेडा की सियासत पर और उस पर एक नजर डालते हैं जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के अंदर कहा जाता है कि दो दर्जन के करीब एमपी उनसे पार्टी लीडरशिप से इस्तीफा मांग रहे हैं तो क्या आपको ट्रूडो जाते नजर आते हैं नहीं आ, मुझे अभी तो टूडो जाते नज़र नहीं आ रहे आ, जिस तरह दबाव था सदर बाइडन पे कि वो रिज़ाइन दें और वो बार बार कह रहे थे कि मैं किसी सूरत रिज़ाइन नहीं दूंगा मगर फिर उन्होंने एकदम से रिज़ाइन दिया वो हमें नज़र आ रहा था कि वो चले जाएंगे इसलिए कि एजेंट थे उनसे ठीक से डिलीवर नहीं हो पा रहा था बोल नहीं पा रहे थे तो वो फिर कन्विंस हो गए क्योंकि उनके आगे एक बहुत बड़ा जॉइंट जो कैंडिडेट रिपब्लिकन का सदर ट्रम्प तो वो फिर कन्विंस हो गए सदर बाइडन स्टेप डाउन यानी अपनी पार्टी की लीडरशिप से और कमला हरिस अब इलेक्शन लड़ेंगी ट्रंप के ख़िलाफ़ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर टूडो यंग हैं बहुत एम्बीशियस हैं दस साल से प्राइम मिनिस्टर चले आ रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो मैं फिर कहाँ जाऊँगा चूँकि अगर ट्रूडो इस्तीफा दे देते हैं लिबरल पार्टी की लीडरशिप से तो वो फिर क्या करेंगे अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो वो फिर क्या करेंगे उनके पास तो करने को कुछ नहीं है हाँ ये अलग बात है कि वो पार्टी की लीडरशिप में रहते हुए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सर्व करते हुए अगले साल इलेक्शन में जाएं और अगर वो हार जाते हैं इलेक्शन कंजर्वेटिव पार्टी से तो फिर ये है कि फिर अगले चार साल बाद या छः साल बाद आठ साल बाद दोबारा मेरा ये गैस है कि मिस्टर ट्रूडो दोबारा आना चाहेंगे पॉलिटिक्स में क्योंकि वो यंग है वो आगे आना चाहेंगे इसलिए कि वो ओवर एम्बिशस हैं उनको साफ़ नज़र आ रहा है कि भई मैं आ, अगर इस बार अगर हार भी गया तो मैं एक दो टर्म्स वर्ट दोबारा पॉलिटिक्स में आऊं तो वो पॉलिटिक्स से गायब नहीं होना चाहते क्योंकि अगर वो पार्टी की लीडरशिप से रिजाइन कर देते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से भी ज़्यादा खतरनाक बात है इसका मतलब ये है कि वो अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को काफ़ी हद तक ख़त्म कर रहे हैं कर तो वो अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को ख़त्म नहीं करना चाहते उनको पता है कि कनाडा में वो जो है ना पॉलिटिक्स का ड्रामा या नाटक इतना हाइट पे रहता है उस हाइट में टूडो जैसे पॉलिटिशियन की कनाडा में काफ़ी जो है ना खपत हो जाती है तो अब मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर टूडो इस्तीफ़ा देंगे ये इसी से रिलेटेड सवाल है कि अगर देते हैं या नहीं देते हैं दोनों तो में फ्यूचर उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या हो, हो सकता है क्या एंटिसिपेशन देखिए दस साल तो वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अगर फर्ज कीजिए वो स्टेप डाउन भी कर जाते हैं और कोई और उनकी पार्टी का लीडर आ जाता है अब ये जो एम सोच रहे हैं कि ये जो डिजिडेंट एम हैं जिनका ये ख्याल है कि अगर ट्रूडो स्टेप डाउन कर जाएंगे तो हमारी पार्टी इलेक्शन फिर से जीत जाएगी आई डाउट uh, मेरा नहीं ख्याल कि इनके स्टेप डाउन करने से भी उनकी पार्टी इलेक्शन जीत सकेगी अगर वो जीत भी जाते हैं और ये स्टेप डाउन कर जाते हैं पार्टी जीत भी जाती है तो तो अगला लीडर कौन होगा फ्रेंकली लिबरल पार्टी में अगला स्ट्रांग लीडर भी कोई नजर नहीं आता और अगर वो स्टेप डाउन नहीं करते टूडो साहब अगला इलेक्शन हार जाते हैं इसके बावजूद तो फिर चार साल बाद तो फिर इलेक्शन होंगे ना तो आई डाउट के लिबरल पार्टी कोई स्ट्रांग लीडर अगले चार सालों में कोई क्रिएट कर सकेगी क्योंकि हमने प्राइम मिनिस्टर हार्पर जब थे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर उस दौरान देखा था कि टूडो तो बाद में लीडरशिप की रेस में आए उससे पहले स्टीफन डियन थे माइकल इग्नै थे उससे पहले पॉल मार्टन थे वो तीनों के तीनों फ़ेल हुए हालांकि तीनों के तीनों अच्छे खासे जाने जाते थे एज एज लीडर्स तो अभी तो मुझे लिबरल पार्टी में आ, जस्टिन टूडो के बाद वो क्रिस्टिया फ्रीलैंड नजर आती हैं जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कोई इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जो और एम हैं जो इस वक्त तो नोवास्कोशिया से ख़ास पर बोल रहे हैं मिस्टर लॉन्ग हैं एक और भी कुछ एम है, हैं वो भी कोई कैनेडा वाइड इतने पॉपुलर नज़र नहीं आते तो मैं तो यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो के फ्यूचर से ज़्यादा क्वेश्चन मार्क देख रहा हूँ लिबरल पार्टी के फ्यूचर पे कि लिबरल पार्टी का जो फ्यूचर है वो वो काफ़ी अभी मुझे बुरा नज़र आ रहा है कुछ सालों तक और ये हमेशा होता है पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में होता है कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में एक पार्टी जब आठ दस साल राज करती है तो फिर उसके बाद उनका फ्यूचर डामाडोल होता है एंड देन दे अगेन कम बैक चलिए आखिर में अमरीकी इलेक्शन का जायज़ा लेते हैं इलेक्शन आज से ठीक है हफ़्ता बाद हैं आपको कौन सदर बनता नज़र आता है देखिए मैं दो तीन शो से कह रहा हूँ कि अगरचे मुकाबला वहाँ पे नैक टू नैक है बहुत टाइट है लेकिन मुझे दो तीन हफ्तों से फील हो रहा है सिर्फ फीलिंग की बात नहीं है आ, जो वहाँ से अदादोशुमार आ रहे हैं जो वहाँ से स्टैट्स आ रहे हैं जो इंफॉर्मेशन अमेरिका से आ रही है सदर ट्रम्प शायद अगले सदर हो जाएंगे बहुत ही मामूली मार्जिन से शायद वो जीते अगरचे दो, दोनों के बीच मुकाबला टफ़ है आप आज के पोल्स उठा के देख लीजिए एक हफ़्ता बाद इलेक्शन होने आज के पोल्स उठा के देख लीजिए सी एन एन कह रहा है कि कामाला हैरिस के पास 48 एट परसेंट लीड है आ, और ट्रंप के पास फोर्टी सेवन है अब जो सदर ट्रंप के खिलाफ मीडिया है, जैसे सी एन एन है वो भी इतनी ज़्यादा लीड सदर ट्रम्प के खिलाफ नहीं दिखा पा रहे अब जब सदर ट्रम्प के हक में जो मीडिया है जैसे फॉक्स है या और मीडिया आउटलेट्स हैं वो इनको 48, 49 परसेंट दे रहे हैं उनको 46, 47 परसेंट दे रहे हैं तो ये वहाँ पे जो पोलस्टर्स हैं अमेरिका में जो वहाँ का मीडिया आउटलेट्स हैं वो भी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग की बुनियाद पर इस वक्त पोल्स दे रहे हैं लेकिन ये रियलिटी है कि दोनों आ, पार्टियों का मुकाबला बहुत टफ है दोनों कैंडिडेट्स का रिपब्लिकन के और डेमोक्रेट के जो कैंडिडेट हैं कमला हैरिस इन दोनों का मुकाबला बहुत टफ है लेकिन बहुत टफ होने के बावजूद मैं दो तीन हफ्तों से कह रहा हूँ कि मुझे जो मैं इंफॉर्मेशन वहाँ से गैदर कर रहा हूँ उनके पोल्स की उनके मीडिया की उनके आ, सोशल आ, मीडिया की मुझे ये एहसास होता है उन पोल्स को देख के कि मेरी काइंड ऑफ अ काइंडशन बनती है कि शायद सदर ट्रंप अगला इलेक्शन जीत जाएंगे हम इन बातों पे तबसरे करते रहेंगे आने वाले वक्त में आज का बिला तकल्लुफ शो ताहिर गुर और मेरे साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे टैक टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.